महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान ने कल एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया। कल रात सीएम उद्धव ठाकरे ने राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम उद्धव ठाकरे के इस कदम को लेकर कांग्रेस, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके खुद के भाई एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उन पर तंज कसा है। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने बिना नाम लिए ट्वीट करते हुए उद्धव पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने ट्वीट पर लिखा है कि जिस दिन मनुष्य अपने सौभाग्य को ही अपना निजी कर्तव्य मानने लगता है, उस दिन से पतन का प्रवास शुरू हो जाता है। यही नहीं, इस पंक्ति के नीचे राज ठाकरे के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में किए गए राज ठाकरे के इस ट्वीट को सीएम पद पर उद्धव की अधूरी पारी पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले राज ठाकरे ने बुधवार को यह ऐलान किया था कि सदन में फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनकी पार्टी एमएनएस का एकमात्र विधायक भाजपा का समर्थन करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा राज ठाकरे से पहले उद्धव ठाकरे की धुर आलोचक रही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का भी बयान सामने आया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा था कि वह आखिरी वक्त तक लालच में रहे, वरना इस्तीफा तो उन्हें तभी दे देना चाहिए था जब 40 एमएलए छोड़कर चले गए थे। नवनीत राणा ने यह भी कहा था कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 56 साल की उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अपने अहंकार के चलते उन्होंने पार्टी का यह हाल किया है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।